बेटा अनम्यूट हो जाओ। यस चलो बोलो मेरे साथ। सभी बच्चे अनम्यूट हो जाओ। मैम फाइन 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 जो डेली आपको बताई जाती है। मम्मी यस मम्मी यस तू भी कर दिया बेटा। आज फर्स्ट आपको पता ना आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा इंग्लिश का पीरियड है। उसके लिए पहले आपने क्या करना है विवा को नेक्स्ट बुक को खोल रखी है सभी ने पेज नंबर पेज नंबर 3 खोल लो सभी बच्चे चैप्टर 1 आपको ना चैप्टर का जो पेज है स्क्रीन के ऊपर शो होएगा। ध्यान से देखो सभी बच्चे बेटा। स्क्रीन के ऊपर सभी को फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है ना इंग्लिश का। यस ओके फर्स्ट चैप्टर का नेम है द बॉय द रोबोट। क्या नेम है फर्स्ट चैप्टर का? द बॉय रोबोट। रोबर होता है लुटेरे जो लूटते हैं। एक लड़का बॉय एंड उनके बारे में मर्द। सबसे पहले बेटा फर्स्ट लाइन के ऊपर आप अपनी फिंगर रखेंगे। यहाँ से देखो इन पर्सिया
जो पर्सी है ना बेटा, इसे पहले ईरान कहा जाता था। When पर्सिया था, वहां में राजा था, राजा था जो बहुत ज्यादा महान था, ग्रेट था। वॉइस वर टॉट टू टेल द ट्रूथ, वहां पे सभी क्या सिखाया जाता है, सभी बच्चों ने हमेशा सच बोलना। क्या सिखाया जाता था, सभी ने हमेशा फर्स्ट लेसन एट होम एंड वहां पे सबसे पहला चैप्टर घर पे भी और स्कूल में भी क्या सिखाया जाता था कि हमने हमेशा सच बोलना। ओके सच बोलना है नेक्स्ट लाइन नन व्हाट अ फॉरवर्ड विल टेल अ फादर सेड द फादर ऑफ यंग कोटेन। इसमें जो लड़का है उसका नेम क्या है, कोटेन। इसके जो पापा हैं उसको बता रहे हैं कि हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इसमें फॉरवर्ड क्या होता है, कायर लोग सारे हैं, जो कायर लोग होते हैं ना, ओनली वो ही झूठ बोलते हैं, वो बहादुर होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट लाइन ट्रूथ इज ब्यूटीफुल ऑलवेज लव इट सेड हिज मदर। उसकी माता क्या कह रही है कि जो ट्रूथ है, सच्चाई है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ऑलवेज लव इट, हमेशा सच्चाई को प्यार करो। ओके इसमें मेन सभी लेसन में आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि हमने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जो टेन के माता पिता ना वो अपने बच्चे को देते हैं कि हमें अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में हमेशा सच ही बोलना। ओके अब नेक्स्ट टाइम देखो When Otens was 12 years old, जो टेन है ना, जब 12 years old में 12 साल का हो जाता है, his parents send him to in a distant city. Distant city होता है जहाँ पे वो रहते हैं ना, शहर में जो Hello. होते हैं, जब 12 साल का हो जाता है ना, उसे अपने शहर से कहीं दूर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। ओके इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी एंड डेंजरस वन। उसके माता पिता जो शहर में, दूर शहर में उसे भेजना चाहते हैं ना, उसकी जो यात्रा है, सफर है, वो ज्यादा क्या है, लॉन्ग है, लंबा है और डेंजरस क्या है, वो खतरों से भरा हुआ जो रास्ता है। सो इट वॉज अरेंज दैट द बॉय शुड ट्रेवल with the small company of merchants who were going to the same place. क्योंकि वो जो रास्ता है, एक तो वो लंबा रास्ता है, एक खतरों से भरा हुआ है, इसलिए उसके माता पिता क्या चाहते हैं कि वो अपने बेटे को ना क्या करते हैं, एक व्यापारी होते हैं, उनकी एक छोटी सी कंपनी होती है, उनके साथ भेजने के लिए प्लान करते हैं कि हम अपने बेटे को उनके साथ भेजेंगे। जो मर्चेंट होते हैं वो भी सेम वही प्लेस के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने बेटे को ट्रेन को भेज रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा Good boy, okay. He always brave and truthful. Said his father. तो उसके पापा होते हैं, वो टेन को बोलते हैं, ओटेन, good boy. We always brave and truthful. आपने हमेशा बहादुर बन के दिखाना है और सच का ही साथ देना, हमेशा सच ही बोलना है, okay? Farewell, my child. Love that which is beautiful. Despise that which is base, said his mother. उसकी माता क्या कहती है, farewell होता है जब हम किसी को अलविदा बोलते हैं, वो कहती है मेरे बच्चे अलविदा, आपने क्या करना है, जो सच है हमेशा उसको ही प्यार करना। ओके उस चीज को प्यार मत करो जिस चीज को, यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को? सुंदर लगी बच्चे क्लास लग रही होगी, आवाज आ रही है तो म्यूट वो करा दे और आप बोली जाते हैं। हां जी सुकुमार, आपको क्या पता चला यहां पे,
यहाँ पे पता चला क्या बताया गया इस लेसन में? सुखमन सिंह आप बताओ, आपको क्या समझाया कि इस लेसन में हमें किसके बारे में बताया गया? सुखमन बताओ बेटा, आप समझ आ गया आपको? किस बात के बारे में बताया जा रहा है बोलो? मैं कुछ भी हाँ जी बेटा, आपको समझ आ गया जहां तक मैंने आपको लेसन रीड करवाया? साहिब आप बताओ बेटा। मैम के समझ नहीं लग गया, मैम दोबारा रिपीट करूंगी, बोलो। मैं समझ नहीं लग गया मैंने। नहीं बेटा, इसमें किस बारे में बताया है टेन को? उसके पापा क्या बता रहे हैं टेन को? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? साहिब बेटा अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी अभी बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज मैम क्लियर नहीं आ रही। चैप्टर रीड करना है, फर्स्ट लाइन देखो इन पर्सिया, यहाँ से रीड करो बेटा स्टार्टिंग से। When Cyrus the Great was king, boy great out. To tell you the truth, this was one of their first lesson at home and at school. बेटा इसका मीनिंग बताओ कि इस लाइन में क्या बताया गया? मैं समझ नहीं आ रही। आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनो। ओके रिपीट करवा रही हूँ बेटा मैं आपको, पंजाबी सुन के। मैम आपके इन पर्सिया व्हेन साइरस द ग्रेट वाज किंग, पर्सिया एक कंट्री का नाम है, उसमें क्या बताया गया? वहां पे नहीं एक साइरस था जो महान राजा था। वाइज वर टार टू टेल द ट्रुथ, वहां पे लड़कों को हमेशा क्या सिखाया जाता था कि हमने हमेशा सच बोलना। ओके दिस वन वाज ऑफ योर फर्स्ट लेसन एट होम एंड एट स्कूल, सभी लड़कों को घर पे भी और स्कूल पे भी। तो फर्स्ट लेसन क्या पढ़ाया जाता था कि हमने हमेशा सच बोलने, पता चल गया ना सभी को? नन व्हाट ऑफ द वर्ड मैम काट आ रही है, मैम ऊंचे बोलो थोड़ा जा। ओके सेट द फादर ऑफ जंग ओटेन, जो ओटेन के जंग ओटेन होता है उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि जो कायर लोग होते हैं हमेशा वो भी झूठ बोलते हैं, फाल्स फूड होता है। मैम आवाज कट आ रही है मैम, आप थोड़ा सा ऊंची बोलो। जो अटेन की माता होती है वो क्या बताती है कि जो सच है वो बहुत सुंदर है। ऑलवेज लव इट, हमेशा सच को ही प्यार करो।
हेलो मैम, होर भी क्लास चल रही है जी? मैम क्लास लग रही है और भी कोई? नहीं, उनकी आवाज बीच में आ रही है। अनम्यूट कर लो पहले बेटा, अनम्यूट हो जाओ। साहिल सिंह? हाँ जी मैम। आज ना आपकी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, जैसे कोई और भी क्लास दे रहा है ना, वो आवाज बीच में आ रही है। आवाज नहीं जी क्लियर आ रही है। साहिब सिंह? हाँ सभी बच्चे आ रही है मैम। बेटा आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा बोलो। हेलो हेलो मैम, मैम आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। हां जी नेक्स्ट देखो। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। हां जी हेलो मैम, वो आ सा रही है जी। चलो बेटा निकाल ला, फिर क्लास हो गई है। मैम आपकी साहिब सिंह, अब बताओ बेटा क्या बोल रही थी आप? थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं सही आ रही है। बहुत घट आवाज है मैम थोड़ी। आज ना थोड़ी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी, आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी मैम। मैम आप ये बात, चलो बेटा सुन लो कोई ना। हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखो। व्हेन ओटेन वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब ओटेन 12 साल का हो जाता है, हिज पेरेंट्स डिसाइड टू सेंड हिम टू स्टडी इन अ फेमस स्कूल इन अ डिस्टेंट सिटी। जब ओटेन 12 साल का हो जाता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हें स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक मशहूर शहर में, जो जो उनका शहर ना उससे थोड़ा सा दूर है, वहां पे भेजे। ओके, इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी एंड अ डेंजरस वन। जो वहां पे भेजना चाहते हैं, जो उसका रास्ता है वो क्या है, बहुत लंबा है और खतरों से भरा हुआ है। इट इज सो इट वाज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रैवल विद अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वर गोइंग टू द सेम सेम प्लेस। इसलिए वो क्या करती है, अपने बेटे के जाने के लिए एक व्यापारी होते हैं, उनकी एक छोटी सी कंपनी होती है, उनके साथ भेजना चाहते हैं, वो भी सेम प्लेस के ऊपर ही जा रहे हैं जो व्यापारी में। ओके, गुड बॉय ऑब्टेन वी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल सेड हिज फादर। जो उसके पापा होते हैं ओटेन के, वो अपने बेटे को बोलते हैं ओटेन गुड बॉय, हमेशा ब्रेव होता है, बहादुर बनो एंड सच बोलो। ओके, farewell my child, love that which is beautiful, despise that which is base, said his mother. जो उसकी माता वो क्या होती है, farewell होता अलविदा, अलविदा माय बच्चे, हमेशा सच को, सच बहुत सुंदर है। ओके, the little company began its long journey. जो व्यापारियों की कंपनी होती है वो क्या करते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं।
some of men rode on camel. उनमें से जो कुछ आदमी होते हैं वो किसके ऊपर बैठ जाते हैं? कैमल, ऊंट के ऊपर सवारी करते हैं. Some or horses, कुछ घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं. They went but slowly, वो जा रहे हैं बट धीरे धीरे जा रहे हैं. For the sun was hot, क्योंकि जो सन है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. And the way was rough, वे का रास्ता, जो रास्ता है रघु का उबड़ खाबड़ है. ओके. सडनली टूवर्ड इवनिंग, अचानक क्या होता है, शाम हो जाती है. अ बैंड ऑफ रॉबर्स स्वूप डाउन अपॉन देम, जो लुटेरे होते हैं ना अचानक उनके ऊपर आके क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं. द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन, जो व्यापारी होते हैं वो लड़ाकू किस्म के आदमी नहीं है, वो लड़ाई नहीं करना चाहते. They could do nothing but give up all their goods and money. जो लुटेरे होते हैं वो क्या चाहते हैं, उनका सामान और पैसा लूटना चाहते हैं. ओके बेटा, आपने आज ये फर्स्ट चैप्टर में आपको रीड करवाया ना, यहाँ तक इसको ध्यान से रीड करना है और इसकी ट्रांसलेशन समझनी है. ओके बेटा, बाय, थैंक यू, बाय बाय. जहाँ तक बेटा मैंने आपको रीड करवाया ना ध्यान से, यहाँ तक आपने इसको रीडिंग करते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए इसकी वीडियो बनानी है. और 4 से 5 o'clock इवनिंग टाइम जब आपका ग्रुप ओपन होता है उसमें आपने अपनी वीडियो सेंड करनी है. ओके बेटा, समझ आ गया सभी बच्चों को? यस. ये बताओ मेरे को, समझ आ गया आपको? यस. अगर कुछ भी नहीं पता तो आप पूछ सकती हो. मैम नो. अब आप लेफ्ट हो सकते हो बेटा, आपका टाइम हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया आपका, लेफ्ट हो जाओ. आपका टाइम कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हो जाओ. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो मैम. बाय बाय बेटा. मैम बाय. ना ना उधर आप जाकर मिला. है क्या निमासे हो रहे थे? मैंने आपको समझा दिया. मैम यस. दिया अनुरीत आपको समझा गया? ओ बीबी गई हुई है आई ना. अनुरीत आप? मैम यस. ओके मैम ठीक है, आपको समझा गया. सुकमान समझा गया बेटा आपको, यहाँ तक रीड करवाया. यार मैं बिल्कुल तसा कर रहा हूँ, मतलब कोई बात भी नहीं आ रही. कट जाओ यार.
अनुरीत जो फर्स्ट लाइन से रीड करो बेटा आप अनुरीत पहले अनम्यूट हो जाओ अनुरीत चलो बेटा फर्स्ट लाइन से रीड करके दिखाओ मेरे को फर्स्ट लाइन से इन पेजा वेन द ग्रेट वाज किंग बॉयज वेयर थाउट टू टेल द ट्रुथ दिस वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन एट होम एंड एट अनुरीत अब इस लाइन का मीनिंग बताओ मेरे को जो आपने लाइन रीड की है ना इसमें क्या बताया गया ट्रांसलेशन बताओ मेरे को ये बताया गया एक एक पर्जा नाम की एक कंट्री है उसमें एक राजा होता था वहां पे लड़कों को ट्रुथ सिखाया जाता था सच बोलने को सिखाया था वहाँ पे स्कूल में भी पर्सनली स्कूल में ट्रुथ बोलना सिखाया जाता था हाँ जी हाँ वेरी गुड बेटा सुखमना आप आगे रीड करो बेटा अनम्यूट हो जाओ पहले नेक्स्ट लाइन रीड करो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही
ना वो भी